देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, शो दैट दी कर्व्स u प्लस v इज इक्वल्स टू c आर जियोडिसिक्स ऑन सरफेस विद मैट्रिक्स दिस। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने के लिए दूंगी जो कि आपको घर से करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया, और जो दूसरे वाला है वो भी आपको मेरठ में पूछा गया, और एक दो यूनिवर्सिटी और उसमें पूछा गया है, तो आप उसको एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी की तरह होगा, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखो प्रूफ करवा रहा है, इसका मतलब बात तो 100% ट्रूथ है, लेकिन हमें क्या करना, चीज को शो करके दिखाना है, यानी कि इनका मानना ये है कि इंसान खड़ा कर दिया, प्रूफ करो इसको इंसान है नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनके गए पे चलना है, इस चीज को प्रूफ करना है, एक्चुअल में की बात सही है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि कोई भी कर्व है u प्लस v इज इक्वल्स टू c किसी भी सरफेस पे इस मैट्रिक के साथ में जॉडीसिक है, और जॉडीसिक होने के लिए जो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है वो क्या होती है, आप सभी को पता है, u इंटू डेल t अपॉन डेल u डेल v डॉट माइनस v इंटू डेल t अपॉन डेल u डॉट इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, जीरो के। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व करके वो हमारे पास में क्या आनी चाहिए, अगर जीरो आ जाती है तो हम कहेंगे कर्व कैसा जॉडीसिक है सरफेस पे, अदरवाइज नहीं है। प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है उसको लिख लीजिए, सॉल्व करेंगे हम, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आपको, u प्लस v इज इक्वल्स टू c, इसको राइट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन आपको गिवन है 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू स्क्वायर माइनस के टी टू यू वी इंटू डी यू इंटू डी वी प्लस के 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसको राइट कर लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें किसकी वैल्यू चाहिए होंगी, यू की, वी की, डेल्टी अपॉन डेल यू की, डेल्टी अपॉन डेल वी की, डेल्टी अपॉन डेल यू डॉट की, और डेल्टी अपॉन डेल वी डॉट की। तो टी की वैल्यूज चाहिए, यू वी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें टी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उनके लिए हमें यू और वी की वैल्यू चाहिए, तो यू और वी की वैल्यू कहां से मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट से। अब क्या निकाल लीजिए, जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल लीजिए, तो क्या लिखोगे, लेट u इज इक्वल टू t, अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन मानेगी वन कर्व की, तो एक बात बताइए, अगर आप t के u के प्लेस पे t पुट करोगे तो v कितना आएगा, u दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के t, अगर हम u के प्लेस पे t पुट करें और v की वैल्यू निकालें क्या आएगी, c माइनस टी। लेट दिस बी दी पैरामेट्रिक इक्वेशन, बी दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, जो कि आपको गिवन है क्या, u प्लस वी इज इक्वल्स टू सी। सो देन यहां से आप u डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, u डॉट का मतलब क्या होता है, du अपॉन dt, तो क्या निकल करके आएगी, 1। v डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो c का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। माइनस टी का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 1, तो यू डॉट की वैल्यू 1, वी डॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि टी किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2 ई इंटू यू डॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ यू डॉट इंटू वी डॉट प्लस जी v डॉट स्क्वायर, इसको राइट कर लीजिए क्या आप, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। एक बात बताइए, यहां पे हमें ई एफ और जी की वैल्यूज चाहिए, ई एफ और जी की वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी, अगर हम इस वाली इक्वेशन की कंपैरिजन कर दें इस वाली इक्वेशन से, तो हमें यू एफ जी की ई एफ जी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सोल्व कर सके इसको आगे। तो क्या लिखोगे आप, ऑन कंपेरिंग इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन सेकेंड विद इक्वेशन, किस इक्वेशन से, ई, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी यू स्क्वायर प्लस के टू एफ डी यू इंटू डी वी प्लस जी इंटू डी वी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका कंपेरिजन करने पे हमें क्या मिलेगा बताइए, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, डी यू स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 1 प्लस यू स्क्वायर, एफ की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 डी यू इंटू डी वी का कोफिशियंट क्या है, माइनस के यू इंटू वी, और जी की वैल्यू क्या मिलेगी, डी वी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 1 प्लस के वी स्क्वायर।
इन सभी वैल्यूज को कहां पुट करोगे आप, इक्वेशन थर्ड में। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो यहां से आगे देखो, इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। तो t किसके इक्वल आएगा, 1/2 e के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे आप क्या, 1+u² × u² प्लस के 2 f के प्लेस पे f की वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगी, -u × v। तो प्लस माइनस माइनस u × v, और इंटू में कितना आ जाएगा, u · v। प्लस के g की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 1+v², और इंटू में कितना है, v² का स्क्वायर। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन आई इसके आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि हमें डेल्टा अपॉन डेल यू, डेल्टा अपॉन डेल वी वगैरह वगैरह की वैल्यूज चाहिए। क्या लिखोगे आप, ऑन डिफरेंशिएशन पार्शियली इक्वेशन 4th, इक्वेशन 4th का हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहां से आगे देखिएगा, हमारे पास में इक्वेशन 4th आ गई। एक चीज को और ध्यान रखना, ये वाला जो शॉर्ट चल रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का, ये गलती से वीडियो शूट नहीं हुई थी इसलिए दोबारा शूट करी। तो जो पहले वाली वीडियो थी उसमें यहाँ पर यू डॉट नहीं लिखा था, तो शायद से हो सकता है इससे जस्ट आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ो वीडियो में तो वहां पे मैंने बताया हो कि यू डॉट नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वो करेक्शन कर दिया, ठीक है, यू डॉट हमारा लिखा हुआ है, तो उस पर मत जाना कि कहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ, ये अलग से दोबारा से शूट करके डालना पड़ रहा है। तो यहां से आपके पास में क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे आप, यू के रिस्पेक्ट में करोगे। अब देखो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास में वैल्यूज क्या आएंगे, एक चीज का ध्यान करना, यहाँ पे वैसे तो वैल्यूज आगे लिख दी है मैंने कि u जो था वो हमारा किसके इक्वल माना था हमने, t के इक्वल। तो v की वैल्यू क्या आई थी, c − t। u डॉट हमारा 1 आया था, v डॉट की वैल्यू क्या आई थी, -1 आई थी, ठीक है। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे सोल्व करोगे किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, यू के रिस्पेक्ट में। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर का करोगे कितना आएगा, 2u, और इनटू में यू डॉट स्क्वायर एज इट इज। फिर यहाँ पे यू का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 1, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज। तो -k2 v u · v। इस टर्म के अंदर u एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया आपके पास में 2, इसमें से बाहर कॉमन ले लो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, u × u² u की वैल्यू क्या आपके पास में, t, u डॉट की वैल्यू क्या है, 1, माइनस यहां से देखिएगा v की वैल्यू कितनी है, c − k t, u डॉट की वैल्यू 1 और v डॉट की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस प्लस कर दो, तो यहां से देखना सॉल्व करके कितना आएगा, t + c − t, t से t कैंसिल आउट, इट मींस जो आपके पास में वैल्यू आई है डेल टी अपॉन डेल यू की, वो कितनी आ गई, c आ गई, ठीक है। अब देखिएगा यहां से आगे हमने क्या किया था, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u डॉट के रिस्पेक्ट में। तो इंप्लाइज दैट डेल टी अपॉन डेल u डॉट किसके इक्वल आएगा, 1/2 एज इट इज। यहां पे देखिएगा ये वाली टर्म आपके पास में एज इट इज रहेगी, u डॉट स्क्वायर है, u डॉट के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 2 × u·, माइनस यहां पे u डॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 u v × v·, मिल जाएगा। इस वाले टर्म में u डॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये कंप्लीट क्या हुआ, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, वैल्यूज पुट कर दोगे, 1+u किसके इक्वल है हमारा, t के इक्वल है, तो 1+t², 2 × u·, की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 1 है, तो ये एज इट इज। -k2, u की वैल्यू क्या है, t है, v की वैल्यू आपके पास में क्या है, c − t है, और v डॉट की वैल्यू क्या है, -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू निकालो सॉल्व करके, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर काम कीजिए 2 को बाहर ले लीजिए, इस वाली टर्म में भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर ले लोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, 1+t², और यहां से इस टी के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, c t − k t², तो t² से t² कैंसिल आउट, इट मींस सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, 1+c × t,
तो डेल टी अपॉन डेल यू डैश की यू डॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1 प्लस के सी इंटू टी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन टू, इस टर्म में तो वी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, यहाँ पे वी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2 यू यू डॉट इंटू वी डॉट प्लस, यहाँ पे करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो अच्छा इस फंक्शन का करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा और वी स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2 वी आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में कितना है ये वी डॉट का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए 1 अपॉन 2, या फिर एक काम कर दो यहां से भी 2 क्या ले लीजिए बाहर कॉमन, तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, यू के प्लेस पे क्या पुट करोगे टी, यू डॉट की वैल्यू 1, वी डॉट की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस के 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, वी की वैल्यू पुट करोगे आप कितनी है सी माइनस के टी, और वी डॉट की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा +1, टी से टी कैंसिल आउट, वैल्यू क्या हो गई सी, इसका मतलब डेल टी अपॉन डेल वी की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है सी। नाउ अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अब किसके रेस्पेक्ट में करोगे वी डॉट के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म में वी डॉट है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसमें वी डॉट का क्या हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिलेगा माइनस के 2 यू वी इंटू यू डॉट प्लस नेक्स्ट 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज, वी डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2 वी डॉट, वैल्यूज पुट कीजिए देखो यहां से भी 2 बाहर ले रही हूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट, माइनस यू की वैल्यू कितनी पुट करोगे टी, वी की वैल्यू क्या है आपके पास में सी माइनस टी और यू डॉट की वैल्यू 1 है, फिर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है सी माइनस टी, तो आप क्या लिखोगे यहां पे वैल्यू पुट कीजिए सी माइनस टी का स्क्वायर और 2, वी डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1 है तो माइनस प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के सी टी माइनस माइनस प्लस के टी स्क्वायर देन माइनस के 1 प्लस, इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस के 2 सी टी मल्टीप्लाई बाय 2, एक बार पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर दी, यहां से आगे देखिएगा माइनस के सी टी प्लस टी स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 2 सी स्क्वायर माइनस के 2 टी स्क्वायर प्लस के 4 सी टी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक सेकेंड एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हमने 2 क्या कर लिया था यहां से भी 2 बाहर कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे हमारा 2 नहीं आएगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो अब ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू क्या जाएगी माइनस के सी टी माइनस माइनस प्लस के टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के सी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस के टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2ct, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या वैल्यू निकल करके आएगी 2ct में से माइनस करोगे सीटी तो सीटी माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी डेल टी अपॉन डेल वी डॉट की, डेल टी अपॉन डेल वी डॉट की वैल्यू क्या ये निकल करके सी टी माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर। अब हमारे पास में सभी वैल्यूज आ चुकी हैं तो यू और वी की वैल्यू निकालेंगे, एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, नाउ फॉर्मूले आप सभी को याद होने चाहिए, यू क्या था हमारा डी अपॉन डी टी
डेल टी अपॉन डेल यू डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल यू, यही था, सॉल्व कर दीजिए डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल यू डॉट की वैल्यू क्या आई हमारे पास में निकल करके, वन प्लस सी टी माइनस डेल टी अपॉन डेल यू की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल करके आई है, सी। यहां से देखिएगा, यानी कि इस टर्म का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो, टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो टी का वन हो जाएगा, कितना मिलेगा सी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। एंड अभी हमें किसकी निकालनी है, वी की वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल वी डॉट माइनस के डेल टी अपॉन डेल वी, सोल्व कर दीजिए डेल डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल वी डॉट की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, सी टी माइनस के वन माइनस सी स्क्वायर, और डेल टी अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या है, सी। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों टर्म्स तो कॉन्स्टेंट है, इनका तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन वन तो कितना मिलेगा सी, एंड माइनस सी तो कितना आ गया जीरो, इट मीन्स वी की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हमें कंडीशन तो पता है, वो कंडीशन अप्लाई कर दो, वी नो दैट दी नेसेसरी एंड लिख दोगे आप दी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर दी कर्व टू बी जॉयसिक इज, लिख देना है कंप्लीट लाइन क्या होती है, यू इंटू डेल टी अपॉन डेल वी डॉट माइनस के वी इंटू डेल टी अपॉन डेल यू डॉट इज इक्वल्स टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू यू डेल टी अपॉन डेल वी डॉट माइनस के वी डेल टी अपॉन डेल यू डॉट, वैल्यूज पुट करोगे यू भी जीरो वी भी जीरो, इट मीन सोल्व करके कितना आ गया जीरो, यही क्या हुई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना था कि जो कर्व हमें दिया था यू प्लस वी इज इक्वल्स टू सी गिवन मैट्रिक के लिए वो कैसा था, जियोडेसिक था सरफेस पे, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करो। देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दी कर्व ऑफ दी फैमिली दिस आर जियोडेसिक्स ऑन अ सरफेस विद मैट्रिक दिस, तो इसको आपको अपने आप से सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, लास्ट वाले जो इक्वेशन क्वेश्चन मैंने आपको कराया उसमें मैंने आपको क्या कहा, यू इज इक्वल्स टू टी माना था, कर्व की इक्वेशन हमें गिवन थी ये, तो जब हमने ये वैल्यू पुट की थी वी की वैल्यू क्या आ गई थी निकल करके ये। अब अगर आप देखो तो आपको कर्व क्या दिया हुआ है, वी क्यूब अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे आपको जो u लेट करना है इसके अकॉर्डिंग आप क्या लेट करोगे, c v क्यूब दे रखा है तो यहाँ पे आप लेट करोगे c इंटू टी क्यूब, ठीक है, इस फॉर्म में आप लेट कर लोगे। अब जब ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, u की, तो क्या आप यहाँ से v की वैल्यू नहीं निकाल सकते, देखो कैसे, v क्यूब क्या होगा हमारे पास में, c इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए c u स्क्वायर, u की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा आपको, c का स्क्वायर, और t क्यूब का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, t क्यूब इंटू t क्यूब, सोल्व कर दो ये क्या आ जाएगा, सी क्यूब टी क्यूब इंटू टी क्यूब, यहाँ पे वी क्यूब चल रहा है, हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, सिर्फ वी की वैल्यू, तो वी क्या आएगा निकल करके, दोनों साइड पावर ले लो 1/3, तो पावर 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सी इंटू टी बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं सी इंटू टी का स्क्वायर, तो इट मीन्स हमारे पास में वी क्या आ गया, सी टी स्क्वायर, तो यू कितना माना सी टी क्यूब, वी कितना आ गया सी टी स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारे पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ से आप यू डॉट और वी डॉट की वैल्यूज निकाल सकते हो, यू डॉट का मतलब क्या होगा कि इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो टी क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा आपको, थ्री सी टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप वी डॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, टू इंटू सी टी मिल जाएगी। अब आपके पास में ये सभी वैल्यूज है, जो आपके पास में टी वाली इक्वेशन होती है उसकी कंपैरिजन इससे कर लेना, जी की वैल्यू वी स्क्वायर मिलेगी, ई की वैल्यू वी स्क्वायर मिलेगी, एफ की वैल्यू आपको माइनस की यू भी मिल जाएगी, और जी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, टू यू स्क्वायर मिल जाएगी। वैल्यूज पुट करके जो भी आपके पास में टी वाली इक्वेशन बनेगी उसमें क्या कर दोगे, सॉल्व करते चले जाओगे, यू डॉट की वैल्यू पता है, वी डॉट की वैल्यू आपको पता है, यू की वैल्यू आपको पता है, वी की वैल्यू आपको पता है, लास्ट में जो भी आपके पास में इक्वेशन होती है कैलकुलेशन करके उसमें वैल्यू पुट करना, जीरो के इक्वल आ जाएगी इक्वेशन आपकी, इट मीन्स जो हमारा कर्व है वो क्या होगा, जियोडेसिक होगा। और ध्यान रखना आपसे प्रूफ दैट का है तो 100% होगा ही होगा, कुछ भी करके शो करके आना है आपको एग्जाम में, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वाले चैप्टर की लास्ट थ्योरम रह गई है जो कि है गॉस बोनेट थ्योरम, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा लेंथी थ्योरम है, तो उसकी एक अलग से वीडियो मिलेगी सिर्फ एक सेपरेट थ्योरम की। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी की होगी, ठीक है। इतने आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार मैंने करा दी, एक बार इनको खुद से सॉल्व करके देखिए, आपका रिविजन हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपका एग्जाम है 5 तारीख में या फिर उसके बाद में भी है, बाद में तो छोड़ दो, ये मान करके चलो कि आपका भी 5 वालों के साथ में ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी से, या फिर अगर आप बाद में कभी किसी अनदर सेमेस्टर में आ गए हो, मतलब बाद में आप ये सभी वीडियोस देख रहे हो नेक्स्ट ईयर वगैरह, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, अभी साथ के साथ में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अभी आपको समझाया तो आपके माइंड में हर एक चीज सेट है, खुद से करके देखिए आपको समझ में आया कहां पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या कौन सा स्टेप ऐसा जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको हैंड टू हैंड प्रिपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये सभी आपके इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो एग्जाम की प्रैक्टिस इसी के साथ साथ करके चलिए ताकि आपको बाद में फिर इकट्ठा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, फिर अपने आप उसको सॉल्व करके देखिए, तो यहीं पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस एग्जाम से पहले आपको नजर मारनी है स्टेप्स पे, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की नीड नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करके चलने साथ के साथ में, ठीक है। मेरी साइड से दिक्कत हो रही है, लेकिन अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हैंड टू हैंड हर एक बात क्लियर होती चले, हर एक क्वेश्चन आप पे आए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ये टेंशन ले रही हो ना कि दीदी हमें तो टेंशन हो रही है, अब मैं आपको सिलेबस कवर करा दूंगी, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में आगे कहते हैं दी करके तो हम सारा गए थे, लेकिन एंड टाइम पे हम तो टेंशन इतनी ले ली, हमारे तो दिमाग से ये उड़ गया, हमारे दिमाग से ये वाला फॉर्मूला उड़ गया, हमें तो ये नहीं समझ में आया, हमसे तो ये नहीं हुआ, हमसे तो ये छूट गया। तो ये गलती आप में से किसी को भी नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए, ये समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दी करा रही है तो मैथ्स का तो कम से कम आप मेरे पे छोड़ दो टेंशन, बाकी सब्जेक्ट के ले लेना वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में टेंशन मत लो, जितना करा रही हूं बस साथ के साथ उतना कवर करते चलो। फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।